बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर सैयद अनवर हुसैन, वर्किंग हियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग एनी क्यूरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर दिस कोर्स थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स इनिशियली फॉर 6 to 7 weeks। इंशाल्लाह आफ्टर जब आपके हालात मुल्क अच्छे हो जाएंगे तो हम रेगुलर क्लासेस में फिज़िकली भी इंटरेक्शन करेंगे, तो वहाँ पर आपको मज़ीद डेप में जो क्यूरीज होगी सॉल्व करेंगे। मेन मकसद यह है कि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो, और हमें मालूम है कि इस वक्त जो ये टाइम है बहुत सख्त है, लेकिन असल में चलाना इसलिए कि अगर ये एक्सटेंड हो गया तो फिर आगे हमारे पास ना समर वेकेशन रहेगी और ना इस कोर्स को कम्प्लीट करने का कोई और मौका मिलेगा। सो आप लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन आने, तमाम बच्चों को भी कहने कि वो ऑनलाइन आए और अपना पार्ट अदा करें। हम जो इसके आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने ऑनलाइन आने, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स टू द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर सैयद अनवर हुसैन, वर्किंग हेयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। माई ईमेल address is available on the screen and my contact details are also available on the screen. Today's lecture is about the digital logic design subject, about the marks distribution, about the course books and the other objectives and the learning outcomes of this course. So main aaj jo lecture mein hum cover karenge wo is lecture mein hum subject ke bare mein discuss karenge ki ye subject mein kya hum karne ja rahe hain. इससे पहले मैं आप सबको ये कह दूं कि प्लीज़ आप सब लोग अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें और वो ऑनलाइन लेक्चर की तरफ आएं, और ताकि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो हम लोगों का जो हम लोगों ने शुरू की है एक मेहनत, वो आप सब तक पहुंच जाए। बिकॉज़ हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए आप सारे लोग रजिस्टर्ड हों। बिकॉज़ कुछ मालूम नहीं होता, 2 महीने बाद जो है मुल्क में दोबारा छुट्टियां हो गई या गर्मी की वजह से क्लासेस ना ले सके, तो इनिशियली जो है हम मिड टर्म तक जो है कोर्स कवर करेंगे। इंशाल्लाह आफ्टर मिड टर्म हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद है कि जो है हालात अच्छे हो गए। सो आप लोग भी अपना टाइम ज़ाया ना करें, तमाम स्टूडेंट्स हो के ऑनलाइन आएँ, कांटेक्ट में रहें मुझसे। कोई क्वेश्चन, कोई इशू हो सेमेस्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं, ओके। सो आज की क्लास में हम लोग कवर करते हैं कि आज हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल से हमारा रेगुलर लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। The contents of the today's lectures includes the timetable, course details, assessment marks, recommended books, course objectives, learning outcomes, what is DLD, DLD in real life, some definitions you must know, and week number 1. So timetable में हमारी Tuesday, Wednesday and Thursday को class होती है। Friday के दिन जो है हम लोगों की class भी होती है, लेकिन क्योंकि हमारे इन दिनों क्लासेस में प्रैक्टिकल्स या क्विज असाइनमेंट टेस्ट हम नहीं ले सकते, तो हम 3 दिन हफ्ते में क्लास करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है आपकी अबाउट द कोर्स डिटेल्स। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हर कोर्स का एक कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर CS103, तो CS103 का मतलब यह है कि ये कंप्यूटर साइंस के पहले फर्स्ट ईयर का 03 नंबर का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं कोर्स, और ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ तो इन कोर्सेज को आपने ज़रूर पढ़ना होता है अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रहे हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आपके सब्जेक्ट का नाम है, 3 credit hour की थ्योरी है, 1 का आपके पास इसमें प्रैक्टिकल है। प्रीरिक्विजिट आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में MNS 102 पढ़ लिया है, अप्लाइड फिजिक्स, यानी इस सब्जेक्ट से पहले पढ़ना लाजमी है कि आप फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ें। असेसमेंट मार्क्स हैं quiz 5, assignment 5। quiz इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी शुरू होगी तो आपसे quiz लूँगा, हर हफ्ते जो कोर्स हम ख़त्म करेंगे तो उसका टेस्ट लेंगे। फिलहाल ऑनलाइन है तो हम असाइनमेंट्स पे चलते हैं। 20 नंबर आपके मिड टर्म के हैं, इफ़ अगर कंडीशन अच्छी ना हुई, हम मिड टर्म ना कर सके तो फिर असाइनमेंट्स में ही हम मज़ीद 20 नंबर आपको दे देंगे। 70 मार्क्स जो है हमारा फाइनल टर्म एग्जाम होगा। रिकमेंडेड बुक्स फॉर दिस कोर्स एंड रेफरेंस बुक्स जो है मटेरियल वो अवेलेबल है, डिजिटल फंडामेंटल्स की बुक, फ्लाइट की फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक जो है ये भी आपके पास अवेलेबल है बुक, स्क्रीन पे आ सकता है कोई भी इस वक्त
मसला. सो हम कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ना आए. डिजिटल लॉजिक जो है मॉरिस मोनो की बुक भी है और इसके अलावा रेफरेंस मटेरियल में आपने इसको फॉलो करना है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स बिहाइंड दिस थ्री ऑब्जेक्टिव्स आपके पास ये है कि आपको हमने देना है कि आप लोग नंबर सिस्टम्स को समझें. नंबर सिस्टम्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स के बारे में भी समझें और इसके अलावा कम्बिनेशनल एंड लॉजिक सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में भी आपको मालूम हो, उनके डिज़ाइन के और एनालाइज कर सकें. आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स. इट प्रिपेयर यू फॉर द डिज़ाइन ऑफ द सर्किट्स यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स. यू कैन ऑल्सो deals with different number systems. You can understand the logics of different gates. You can also use Boolean algebra to simplify different expressions. Along with this, you can also learn about different combinational, sequential logic and flip-flop. Iske baare mein aapko maloom ho jayega. It will help you and also prepare you to take the advanced courses in computer architecture. What is DLD kya hai before explaining digital logic design is very important that you know what exactly logic design is. Basically digital logic is a term used to refer to the design and analysis of digital systems. Hence the design of a such system is called digital logic and design. Ye jo electronic systems ki baat ho rahi hai yahan par, that's मीन कि कंप्यूटर और सेल फोन्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवेलप होते हैं वो डिजिटल लॉजिक की बेस पे डिवेलप होते हैं. और ये सिस्टम जो है डिजिटल लॉजिक की बेस पे जो होता है ये जीरोस और वन के कम्बिनेशन से मिले. तो डैट ये इसके बारे में थोड़ा सा है. रियल लाइफ एप्लीकेशन में डिजिटल लॉजिक जो है, डिफरेंट डिजिटल बोर्ड्स जो आप आजकल देख रहे हैं, सर्किट बोर्ड्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं, इन प्रिंटर्स में, कंप्यूटर्स में, प्रोसेसर्स में, ये सारे के सारे जो हैं ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं. सम डेफिनेशंस यू मस्ट नो. मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये ऐसी वो डेफिनेशन है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए आफ्टर सेमेस्टर नंबर वन. वो क्या है? वो है आपके पास व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस. हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस की मेन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. इसके साथ साथ व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एनालॉग एंड डिजिटल, बिट्स बाइट्स, करेक्ट एनेबल, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग जो है ये एक होमवर्क अपना में मुझे इनकी डेफिनेशन ईमेल कर दें. अगर आपको नहीं आएगी तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा. इसके साथ साथ हम चलते हैं वीक नंबर वन. जिस ये स्लाइड जो है वीक नंबर वन की कंप्लीट आउटलाइन बता रही है कि वीक नंबर वन में हमने कवर करना है नंबर सिस्टम जो कि इंक्लूड करता है, नंबर सिस्टम के साथ साथ जो इंक्लूड है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा, ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है. इसको हम अपने आने वाले दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इन डिटेल. फर्स्ट थ्री लेक्चर्स जो हैं ये थ्योरेटिकल हैं. आने वाला जो वीक है उसमें मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने साथ आप लोगों ने एक कॉपी मेंटेन करनी है जिसके अंदर आप लोगों ने तमाम नोट्स को वन बाय वन दिखना है. बिकॉज मैं सॉल्व करूँगा और आप लोगों ने उनको करना है. इसके साथ मैं होमवर्क भी दूंगा और असाइनमेंट्स भी. तो आप लोगों ने अपनी वो कापियाँ मेंटेन करनी है घर के अंदर. सो बिफोर डायरेक्टली डिफाइन द नंबर सिस्टम और हम नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जेंस को पढ़ें तो हम ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई डू वी नीड वेरियस नंबर सिस्टम बेस्ड कन्वर्जन, या नंबर सिस्टम कन्वर्जन को हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है. इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिकॉज व्हेन एवर वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सो कंप्यूटर कैन ऑनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर और द मशीन लैंग्वेज. सो बाइनरी नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन. और जो हम नंबर सिस्टम जो हम जो डेटा इंटर करते हैं, हम जो नंबर इंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम होता है. ये 1, 2, 3, 4 जो हम करते हैं. तो हमें इसको कन्वर्जन के बारे में मालूम होना चाहिए. सो आफ्टर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर तो हम एबल हो जाएंगे कि हम ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है. सो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा. थोड़ी सी एक डेफिनेशन नंबर सिस्टम की यहाँ पर पढ़ते हैं और हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं. इंशाल्लाह कल हम नंबर सिस्टम से दोबारा स्टार्ट लेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम आर द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट द नंबर इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. एवरी वैल्यू डेट यू आर सेविंग आर गेटिंग इन टू आर फ्राम द कंप्यूटर मेमोरी हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट a system of numbers through which we represent quantities in the computer is called number system. So number system के बारे में एक definition है कि computer में हम किसी भी quantity को represent करने के लिए जो system use करते हैं
करते हैं उसको कहा जाते हैं नंबर सिस्टम। तो ये आज के लेक्चर का एंड था, इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ये जो लास्ट सी स्लाइड्स है यहाँ से कंसंट्रेशन करी है, इससे पहले जस्ट एक इंट्रोडक्शन था और ऑल ओवरव्यू दिया था इस सब्जेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ से वीक नंबर वन की जो स्लाइड्स मैंने बताई हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कमिंग वीक जो कल की क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस अगर रिलेटेड टू सब्जेक्ट हो, आज के इस सब्जेक्ट में से कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी कि आप लोग सारे अवेलेबल हैं कि नहीं हैं ये मुझे बताएं। एक छोटा सा कोट शेयर करता हूँ, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। सो इसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है इस लेक्चर्स के दौरान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। थैंक यू, अल्लाह।